चलिए तो बड़ा आ गया है। तो आज जो बात करेंगे, चार आपको प्रणाम रहे हैं और जो पहला करने जा रहे हैं उसका नाम है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो हेडिंग बनाओ और लिखो, लिखिए ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। Each other and one another are called reciprocal pronoun. Each other का जो प्रयोग करते हैं याद रखना, इसका जो इस्तेमाल करते हैं, ये जो प्रयोग किया जाता है used for two, दो के लिए इस्तेमाल होगा। और ये जो होगा आपका used for मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए होगा। ये दो के लिए ही ज्यादा का इस्तेमाल करते हैं। वन अनदर का मतलब जो है वो इस्तेमाल जो करते हैं वो हम दो से ज्यादा के लिए, दोनों का मतलब जो होता है। अगर दोनों के हिंदी मतलब की बात करें तो दोनों का हिंदी मतलब होता है एक दूसरे से, दोनों का हिंदी मतलब एक दूसरे से होता है। बस इतना अंतर होता है कि ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं यूज फॉर टू, ठीक, दो के लिए, और वन अनदर का इस्तेमाल यूज फॉर मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए। और वो दो से ज्यादा में कुछ हो सकता है, चाहे वो मान लीजिएगा पर्सन रहे, चाहे वो कोई थिंग रहे, ठीक, चाहे वो कोई आपका एनिमल रहे, मतलब कुछ भी रहे, चाहे वो आपका प्लेस रहे। ऐसे यहाँ पर चाय पर्सन रहे, चाय प्लेस रहे, चाय थिंग रहे, चाय आपका एनिमल रहे, उसके इसमें इस्तेमाल करेंगे वन अनदर का। जब दो से ज्यादा की बात होगी या दो की बात होगी तो हम ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लो, हमने कहा the two brothers, love each other, आगे कहा हमने number two, the टू ब्रदर्स लव वन अनदर। आगे लिखा हमने वी आर मेड फॉर ईच अदर। और कहा हमने द फाइव बॉयज हेल्प ईच अदर। द फाइव बॉयज help one another। जरा देखिए बोलो, first one right wrong, second one wrong, third one wrong, fourth one wrong, last one right। तो ये पहला क्या बोलो वो आपका right है,
दूसरा गलत है, तीसरा आपका राइट है, चौथा जो है आपका वो गलत है, पांचवा राइट है। ठीक, दाटू ब्रदर्स सुलाव इच्छा आ रहा है, दो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दाटू ब्रदर्स सुलाव वन अदर कर दिया, गलत हो जाएगा, दो से ज्यादा के लिए वी डू नॉट यूज वन अदर, वी यूज इच अदर। एक सेपरेट वी आर मेड फॉर इच अदर, जब आप बोलते हैं तो यहाँ पर किसका सेंस होता है, दो का, एक एक दो की बात होती है, हम एक दूसरे के लिए बने तो वी आर मेड फॉर इच अदर, इट मींस दिस इज राइट। इसके अलावा द फाइव बॉयज हेल्प इच अदर, इट मींस यू हैव मेड मिस्टेक वायर बिकॉज यू हैव यूज फाइव बॉयज यूजिंग इच अदर, तो इच अदर आपका फाइव के लिए मोर देन टू के लिए नहीं आता, मोर देन टू के लिए वन अदर आएगा, इसीलिए द फाइव बॉयज हेल्प वन अदर, इट विल बी राइट। So any doubt? If five brother जो हम फिर इस तरह के कहाँ पर? वो five boy जो हम पांच चौथे में। हाँ बोलो। ये इच अदर क्यों आ रहा है? इच अदर क्यों आ रहा है तो गलत कर दिया ना हमने? ये तो right wrong करके दिखाया ना, ये तो गलत कर दिया, कहाँ है दिवार तुम्हारा? ये तो गलत कर दिया, ठीक है ना? ठीक है। तो ये होता है आपका reciprocal problem, दो ही होते हैं इच अदर और अनदर। इच अदर का इस्तेमाल दो के लिए होगा, अनदर का इस्तेमाल दो से ज्यादा के लिए होगा, इतना याद रखना। दोनों का मतलब एक दूसरे से होता है हिंदी में, ठीक, हिंदी में दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर इतनी बात क्लियर तो बच्चा तो लिख लिया जाए, उसको अलग पड़ता है, लिख लिया जैसे। चलिए तो हो गया, तो इस तरीके से रिसिप्रोकल प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं। इच अदर का इस्तेमाल दो के लिए करेंगे, वन अदर का इस्तेमाल दो से ज्यादा के लिए करेंगे, दोनों का मतलब एक दूसरे से। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आखिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कैसे कहते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब एक ऐसा नाउन जो बांटने का काम करता है, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक, यानी डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब जो बांटने का काम करता हो। तो इसमें क्या क्या आता है? देखो, ईच, 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 एवरी, ईच, एवरी, एवरीवन, ईच, एवरी, एवरीवन, एनीवन। इसके अलावा इधर, नीदर, इधर, नीदर, नन, नन, आर कॉल्ड, आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चलिए वैसे देखिए, तुमको लिखाया मैंने Each, every, everyone, anyone, neither, either, और क्या लिखा है तुमको? None। ठीक, ये लिखा है तुमको, ईच, एवरी, एवरीवन, एनीवन, नीदर, इधर एंड नन। चलिए एक एक करके जाने का प्रयास करें। ईच, अगर ईच की बात करें, अगर ईच की बात करें तो याद रखना ईच का जो मतलब होता है या तो होता है प्रत्येक, ठीक, या तो होता है प्रत्येक, या कह सकते हैं प्रत्येक, प्रति, प्रति एक, ठीक, नहीं हर एक। ईच का जो इस्तेमाल करते हैं वो देख लो, ईच का इस्तेमाल जो है आपका तीन तरीके से किया जा सकता है। ईच का इस्तेमाल, ईच का इस्तेमाल हम तीन तरीके से कर सकते हैं। कैसे? ईच का जो प्रयोग है एक तरीके से ना इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में भी किया जा सकता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन
इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में किया जा सकता है। जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन मैंने तुमको लिखवाया था, समवन, समबडी, नोवन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, अगर याद आ रहा हो तो ठीक। उसमें आपको मैंने नन भी लिखवाया था, वन भी लिखवाया था, याद आ रहा हो तो, ना आ रहा तो कर्म सुधार लो। इसके अलावा ईच जो है याद रखना, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसका इस्तेमाल जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। इसके अलावा जो आपका ईच का इस्तेमाल है वो आपका होता ही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी तीन तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में काम करेगा तो याद रखना इसके जस्ट बाद जो आएगा वो वर्ब आएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा तो इसके जस्ट बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। और रिमेंबर दिस थिंग, इफ वी विल यूज इट एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इट मींस आफ्टर ईच वी विल यूज ऑफ, इसके जस्ट बाद ऑफ आएगा ठीक। इसके अलावा इसका यूज की बात कर लेते हैं, यूज कहां करेंगे, याद रखना इसका जो इस्तेमाल होता है यूज्ड फॉर टू, या तो दो के लिए इस्तेमाल होगा, इसके अलावा एंड मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए भी, मोर देन टू दो के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मोर देन टू दो से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, दो के लिए भी और दो से ज्यादा के लिए भी इच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा देख लो सबका मैं दिखा देता हूं। मैंने कहा ईच इज हैप्पी, आय कहा ईच आर हैप्पी, नेक्स्ट कहा ईच बॉय इज हैप्पी या ईच बॉय इज वर्किंग, या छोटे छोटे एग्जाम्पल से ही समझ लो, चलो ईच बॉय इज हैप्पी, आय कहा ईच बॉय आर हैप्पी, नेक्स्ट कहा ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज हैप्पी। इसके अलावा ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर हैप्पी। इसके अलावा हमने कहा ईच ऑफ द टू बॉयज इज हैप्पी, आगे कहा ईच ऑफ द बॉयज इज हैप्पी, आगे कहा ईच ऑफ द फाइव बॉयज इज हैप्पी। इसके अलावा ईच ऑफ द फाइव बॉयज आर हैप्पी। चलिए कुछ सिक्सेस लगा सकते हो, बोलो फर्स्ट वन राइट, सेकंड वन, थर्ड वन राइट, राइट, फोर्थ वन रॉन्ग, नेक्स्ट रॉन्ग, नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट वन राइट, राइट, नाइंथ वन, टेंथ वन रॉन्ग। चलिए
एक चीज देख लो जरा जान लो, ईच का प्रयोग याद रखना हमेशा जो प्रयोग करते हैं सिंगुलर के रूप में करते हैं, हमेशा सिंगुलर के रूप में प्रयोग करते हैं, प्लस ये जो वर्ब भी जो लेता है हमेशा सिंगुलर ही लेता है, याद रखना ये बात है। ठीक, तो जहाँ जहाँ आपने प्रयोग लगा रहा है वहाँ वहाँ गलत है, ठीक है, जहाँ सिंगुलर का वही राइट है, मान लेगा ये है गलत हो जाएगा, बाकी ये राइट है, इसके अलावा ये भी सही है, ये गलत होगा, ये राइट होगा, ये गलत होगा, इसके अलावा ये राइट होगा, राइट होगा, राइट होगा, ये रॉन्ग। ठीक सर, सिक्स ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच गर्ल आर हैप्पी, क्या ईच बॉय एंड ईच गर्ल, हां एंड ईच गर्ल ना, ईच एक ऐसा है कि जो तुम्हारा ये है ईच, ये हमेशा जो है आपका मतलब सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी जो है सिंगुलर लेगा अपने साथ, वर्ब भी लेगा सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर होता है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज हैप्पी, हमेशा सुनर होगा, वर्ब भी क्या लेगा सुनर लेगा, तो उसको जल्दी से चलिए लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। तो ईच का तुमने देखा, ईच हमेशा होगा सुनर, चाहे कितनी बार ईच आप प्रयोग कर लो सेंटेंस में, हमेशा होगा सुनर प्लस वर्ब भी लेगा अपने साथ सुनर। पर याद रखना जब ये एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, तो ईच के बाद जो आने वाला नाउन होगा कैसा होगा सुनर होगा, आने वाला नाउन कैसा होगा सुनर होगा। और याद रखना जब ऑफ सिस्टम का इस्तेमाल होगा ईच के बाद, तो याद रखना इसके बाद जो आने वाला नाउन होगा वो होगा प्लुरल, बट वर्ब हमेशा क्या अलग नहीं है सुनर, समझ पा रहे हो। इसके अलावा प्लुरल रूप में काम करे तो कोई दिक्कत नहीं है, ईच तब भी सुनर रहेगा। तो चाहे आप ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज हैप्पी बोलो, चाहे आप ईच बॉय एंड गर्ल इज हैप्पी बोलो, चाहे ईच बॉय गर्ल वोमेन मैन सब कुछ भी बोलो, तब भी ईच ही हैप्पी रहेगा, आर हैप्पी कभी होगा ही नहीं। ठीक, कितने भी यूज कर लो, ईच बॉय बोलो, गर्ल बोलो, मैन बोलो एंड वोमेन बोलो, और उसके बाद फिर से वर्ब लगाने के बाद पढ़े तो भी क्या होगा, ईच ही हैप्पी होगा, आर हैप्पी कभी होगा ही नहीं। ठीक, चलो आजीवन होता है सुंदर, वर्ब भी क्या लेगा सुन लेगा, चाहे ईच का आप हजार बार प्रयोग कर लो, एक बार करो चाहे हजार बार। तो आपने देखा कि इसका प्रयोग हम तीन तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा नेक्स्ट आता है तुम्हारा एवरी। अगर एवरी की बात करें तो याद रखना एवरी जो होता है वो प्योर एडजेक्टिव होता है तुम्हारा, इसका इस्तेमाल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में होगा, एवरी का इस्तेमाल सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में करते हैं और किसी के रूप में करते ही नहीं, ये प्योर एडजेक्टिव होता है। जैसे एवरी बॉय इज हैप्पी, ठीक है, हैप्पी से ही माइंड में बस एक स्ट्रक्चर फ्रेम कर लेना है, ठीक है, हमको पढ़ना ये है, हैप्पी से मतलब नहीं, हमको ये पढ़ना है, हमने कहा एवरी बॉयज आर हैप्पी, तीसरा कहा एवरी बॉयज इज हैप्पी, चौथा कहा एवरी बॉय आर हैप्पी। ठीक, जरा आपने सक्सेस लगाओ, फर्स्ट वन राइट, सेकंड वन, थर्ड वन, लास्ट वन। चलिए जो पहला वाला एग्जांपल है आपका एवरी बॉय इज हैप्पी, ये राइट है, दूसरा वाला जो एग्जांपल है वो गलत है, तीसरा वाला जो एग्जांपल है ये भी गलत है, चौथा वाला है वो भी गलत है, सिर्फ एक एग्जांपल से बाकी सब गलत है। याद रखना एवरी के बाद जब हम बात करेंगे एवरी और ये एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होगा, एडजेक्टिव के रूप में होगा तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इसको याद रखना ये होता है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एवरी के बाद याद रखना हमेशा जो नाउन होता है वो होता है सिंगुलर और वर्ब भी क्या लेगा हमेशा अपने साथ सिंगुलर ही लेगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक, अगर इतनी बात सुनना है तो लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते कोई डाउट है तो। चलिए तो बुलाया आगे।
तो आपने देखा एवरी जो होगा वो प्योर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। तो इसका मतलब जब ये प्योर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है तो कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो फिर है ही नहीं, ठीक। ये भी हम कह सकते हैं, बस बीच में मैं तुमने डाल करके पढ़ा दिया है, ठीक है। तो एवरी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कभी नहीं होता है। हाँ हो सकता है जब एवरी के साथ वन आए, जैसे अभी आगे पढ़ने वाले हैं, एवरीवन, एवरीवन का इस्तेमाल दो तरीके से करते हैं हम। एक तो करते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में, इनडेफिनिट प्रोनाउन जो आपको मैंने पढ़ा भी दिया है। इसके अलावा इसका प्रयोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। याद रखना जब इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होगा तो इसके जस्ट बाद जो आएगा वो क्या आएगा, वर्ब आएगा। याद रखना इसके जस्ट बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा तो इसके जस्ट बाद आएगा ऑफ, और ऑफ के बाद याद रखना जो आने वाला नाउन होगा वो होगा आपका प्लूरल, बट याद रखना वर्ब जुड़ेगा ना सिंगुलर में। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है यूज फॉर टू और या एंड करके छोड़ देंगे, तो एंड मोर देन टू, इसका इस्तेमाल दो के लिए भी करते हैं और दो से ज्यादा के लिए भी करते हैं, ठीक। यानी दो के लिए भी और दो से ज्यादा के लिए भी, जैसे एक तरीके से इसको ऐसे मान सकते हो ये तुम्हारा ईच जैसा है। ईच का इस्तेमाल भी तो दो और दो से ज्यादा के लिए किया था, तो दो या दो से ज्यादा के लिए किया था ना। तो इसमें क्या होता है इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो दो या मतलब दो से ज्यादा के लिए दोनों के लिए कर सकते हैं। जैसे हमने कहा एवरीवन इज हैप्पी, आगे कहा हमने एवरीवन आर हैप्पी, नेक्स्ट कहा एवरीवन ऑफ द बॉयज इज हैप्पी, आगे कहा एवरीवन ऑफ द बॉयज आर हैप्पी, नेक्स्ट कहा एवरीवन ऑफ द बॉय इज हैप्पी, नेक्स्ट कहा हमने एवरीवन ऑफ द फाइव बॉयज इज हैप्पी, आगे कहा हमने एवरीवन ऑफ द फाइव बॉयज आर हैप्पी, नेक्स्ट कहा एवरीवन ऑफ द टू बॉयज इज हैप्पी, आई का हमने एवरी वन ऑफ द टू बॉयज आर हैप्पी, आगे कहा एवरीवन ऑफ द टू बॉय इज हैप्पी। जरा बोलो फर्स्ट वन राइट, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन,
नेक्स्ट वन रॉन्ग नेक्स्ट वन राइट नेक्स्ट वन रॉन्ग नेक्स्ट वन राइट नेक्स्ट वन रॉन्ग नेक्स्ट वन राइट राइट चलिए जो पहला वाला एग्जांपल है वो तुम्हारा राइट है ठीक है एवरीवन है कोई नहीं सुना ले रहा बार प्लूरल लिया गलत हो गया एवन आपके पास प्लूरल नाम आ रहा है कोई दिखाई बार सुना ले रहा एकदम बेहतरीन एवन ऑफ द फाइव बॉयज ये तो सही था पर वर्ब क्या ले लिया प्लूरल ले लिया गलत हो गया एवरीवन ऑफ द बॉय यहाँ पर जो है वर्ब का एरर तो नहीं है लेकिन ये क्या है नाम का एरर है यानी इसके बाद आने वाला नाम क्या होता है प्लूरल होता है एवन ऑफ द फाइव बॉयज इज हैप्पी बिल्कुल दोनों चीजें सही है एवरीवन ऑफ द फाइव बॉयज आर हैप्पी गलत हो गया एवरीवन ऑफ द टू बॉयज इज हैप्पी एकदम सही है कोई दिक्कत नहीं है एवरीवन ऑफ द टू बॉयज आर हैप्पी गड़बड़ हो गया एवरीवन ऑफ द टू बॉय नहीं होगा बॉयज होगा इसलिए गलत राइट ऑप्शन में आगे क्या खराबी है इसके बाद में आगे चलो इसको आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ा जाए चलिए तुम्हारे चार और बचे इसमें है क्या क्या बचा एनी वन नीदर इधर और नन एक तो बचा तुम्हारा एनी वन एक बचा इधर एक बचा आपका नीदर और एक बचा आपका नन तो याद रखना एनीवन का जो प्रयोग करते हैं वो यूज्ड फॉर मोर देन टू दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करेंगे नीदर का जो प्रयोग करते हैं यूज्ड फॉर टू दो के लिए इस्तेमाल करते हैं आखिर इनसे करते क्या है याद रखना इनसे हम करते हैं अगर हमें चॉइस करना हो ये इस्तेमाल होते हैं चॉइस के लिए सिलेक्शन के लिए चॉइस के लिए यानी दो से ज्यादा में से कोई एक ये दो में से कोई एक ये बीस ये जो इस्तेमाल होगा यूज फॉर टू दो के लिए इस्तेमाल होगा ये जो इस्तेमाल होगा यूज फॉर मोर देन टू दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होगा यहाँ भी सिलेक्शन की बात होगी यानी दो में से कोई नहीं और दो से ज्यादा में से भी कोई नहीं यानी यहाँ पर जो मतलब होगा कोई नहीं मतलब होगा कोई नहीं ठीक है दोनों का मतलब क्या होगा कोई नहीं होगा यानी दोनों का जो मतलब होगा वो क्या होगा कोई नहीं इसका मतलब होगा इनका कोई ठीक इतना इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा एनीवन का प्रयोग आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में मैंने सिखा दिया है ठीक है यानी इसका इस्तेमाल जो है आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन यानी इंडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में भी होगा और इसके अलावा इसका जो प्रयोग है तुम्हारा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में भी होगा यानी दो तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ठीक इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका इसके अलावा इसका जो इस्तेमाल है इसका इस्तेमाल आप किसके रूप में कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में या इसके अलावा इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव के रूप में एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है सेम सिस्टम है तुम्हारा आपका यूज फॉर टू या नीदर का इस्तेमाल होगा याद रखना ये जो इस्तेमाल होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए होगा या होगा तुम्हारा एडजेक्टिव के लिए ये जो इस्तेमाल होगा आपका या तो होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दोनों के लिए इसका इस्तेमाल होगा
अब आपको ये पता चल जाना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा तो कैसे होगा भाई, ऑफ सिस्टम का इस्तेमाल होगा डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए और इंडेफिनिट के लिए सीधा क्या होगा तुम्हारा सीधा वर्ब आएगा। इतना ही कई बार बता दिया बाबा, बताने जरूरत नहीं है, सीधे इनके सबके एग्जाम्पल खेलता हूँ। मैंने कहा एनीवन, एनीवन ऑफ द टू बॉयज इज हैप्पी। आया कहा एनीवन ऑफ द फाइव बॉयज इज हैप्पी। आया कहा ईदर ऑफ द टू बॉयज इज हैप्पी। नेक्स्ट कहा नीदर ऑफ द टू बॉयज इज हैप्पी। इसके अलावा नन ऑफ द टू बॉयज इज हैप्पी। आई का नन ऑफ द थ्री बॉयज इज हैप्पी। यानी इस तरीके से जरा देखो, फर्स्ट वन फ्लो राइट, सेकंड वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स वन। पहला वाला जो एग्जाम्पल है वो आपका गलत है, सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है वो राइट है। इसके अलावा इधर ऑफ द टू बॉयज इज हैप्पी राइट है, इधर ऑफ द टू बॉयज इज हैप्पी ये राइट है, और नन ऑफ द टू बॉयज इज रॉन्ग एंड नन ऑफ द थ्री बॉयज इज राइट। यही तो बताया अभी, दो के लिए इस्तेमाल एनीवन का कर कैसे दोगे, एनीवन का इस्तेमाल दो से ज्यादा के लिए होगा, इधर का इस्तेमाल एनीवन का दो से ज्यादा के लिए होगा, यहाँ पर राइट हो गया। यहाँ पर दो के लिए इस्तेमाल किया तो सही है, इधर का इधर का इस्तेमाल दो के लिए किया सही है, नन का इस्तेमाल दो के लिए किया तो गलत है, दो के लिए नहीं करते मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए करते हैं, और नन ऑफ द थ्री बॉयज किया हमने इसलिए दो से ज्यादा के लिए किया तो राइट हो गया। क्लियर, ये होता है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ब्रेक करेंगे, इसको लिख लो। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप लर्निंग।